हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। चैनल के संदर्भ में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। पदों का विवरण है, वर्ष 2023 की रिक्तियों के तहत उम्मीदवारों से सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के 2676 पदों हेतु और स्टेनोग्राफर के 185 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, सोशल सिक्योरिटी पद असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक पास संबंधित विषयों में होना चाहिए और उम्मीदवार टाइपिंग के क्षेत्र में कुशलता को रखता हो, और स्टेनोग्राफर पद के लिए उम्मीदवार 12वीं पास संबंधित विषयों में होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क ₹700 निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवार और भूतपूर्व सैनिक वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 मार्च 2023 से प्रारंभ होंगे और 26 अप्रैल 2023 आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी। इन पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इस विज्ञापन के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। विभाग का नाम है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर। पदों का विवरण है, वर्ष 2023 की रिक्तियों के तहत उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें पद रहेंगे इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के 40 पद, साइंटिफिक इंजीनियरिंग असिस्टेंट के 17 पद, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के 24 पद और असिस्टेंट ग्रेड 2 के 16 पद। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के पद के लिए उम्मीदवार बीई बीटेक और गेट स्कोर पास होना चाहिए। साइंटिफिक इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए उम्मीदवार बीएससी केमिस्ट्री के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री जो उम्मीदवार रखते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पद के लिए उम्मीदवार के पास में डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर उम्मीदवार आईटीआई पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, और असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट पास और टाइपिंग के क्षेत्र में जो कुशलता रखते हैं वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु को पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इन पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार पात्र होंगे। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को केंद्रीय सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेबल 2 से लेकर 2-7 तक पद के अनुसार मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा।
विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो स्टील प्लांट। पदों का विवरण है, वर्ष 2023 की रिक्तियों के तहत कंसल्टेंट के 10 पद, मेडिकल ऑफिसर के 10 पद, मेडिकल ऑफिसर ओएचएस के 3 पद, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के 3 पद, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल एनवायरनमेंट के 4 पद, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के 87 पद, माइनिंग फोरमैन के 9 पद, सर्वेयर के 6 पद, माइनिंग मेट के 20 पद, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी एचएमवी के 34 पद, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के 50 पद और माइनिंग सरदार के 8 पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हो वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु को पद के अनुसार 28, 30, 34 और 41 वर्ष निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को पद के अनुसार ₹700, ₹500 और ₹300 आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों को पद के अनुसार 200, 150 और ₹100 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा और साक्षात्कार मई जून 2023 माह में आयोजित किए जाएंगे। पदों के लिए विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। विभाग का नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। पदों का विवरण है, वर्ष 2023 की रिक्तियों के तहत जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पदों हेतु उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 200। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार टाइपिंग कुशलता 40 शब्द पर मिनट इंग्लिश और 30 शब्द पर मिनट हिंदी कंप्यूटर में रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु को इन पदों हेतु 27 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक वर्ग और विकलांग वर्ग से आते हैं उन उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को ₹1,000, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवारों को ₹600 और विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 2 अर्थात रुपये बेसिक 19,900 केंद्रीय सातवें वेतन आयोग के अनुसार उम्मीदवार को दिया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है।
फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उस पर अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। वीडियो के संदर्भ में अगर आपकी कोई भी आशंका है तो आप अपने मैसेज हमें इस फेसबुक आईडी पे भेज सकते हैं। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे। अंत में वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ में शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।